हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? और मैं विजय कुशवाहा, और आप देख रहे हैं बैरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे कि खरीफ सीजन में जब भी हम शिमला मिर्च की खेती करते हैं तो हमको कौन कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए, और वैरायटी लगाते समय हमको कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जब भी किसान भाई वैरायटियों का चयन करते हैं तो कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि वैरायटी ऐसी हो जो अधिकतम उत्पादन देने वाली हो, ऐसी वैरायटी हो कि उनके फलों को यदि हम मंडियों में ले जाएं तो उनके अच्छे भाव प्राप्त हो, ऐसी वैरायटी हो कि उनमें रोग और कीटों के प्रति लड़ने की क्षमता हो। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए किसान भाई वैरायटियों का चयन करते हैं। और किसान भाई यदि वैरायटी का चयन करते समय थोड़ी सी भी यदि भूल कर देते हैं तो पूरे साल भर की मेहनत बेकार जाती है और उत्पादन देखने को नहीं मिलता है, जिससे कि खेतों में काफी घाटा भी देखने को मिल सकता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप शिमला मिर्च की वैरायटी का चयन करते हैं तो आपको वैरायटी का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो इसी बात को लेकर आज हम शिमला मिर्च की टॉप 4 हाइब्रिड किस्मों के बारे में बात करेंगे कि ये वैरायटी कैसी है, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इनकी कीमतें क्या हैं, सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे खेती संबंधी नई नई जानकारी आपको यहाँ से मिलती रहे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आज हम बात करेंगे शिमला मिर्च की टॉप 4 हाइब्रिड किस्मों के बारे में, उनमें जो पहली वेरायटी है वो है हंटिंगटन, जो कि सेमेनिस कंपनी की है वैरायटी है। इस वैरायटी के फलों की पहली तुड़ाई रुपाई करने के 65 से 70 दिन बाद शुरू हो जाती है। इसके फल की लंबाई 8 से 10 सेंटीमीटर तक होती है। इसके फल की मोटाई 7 से 9 सेंटीमीटर तक होती है। इसके फलों का एक औसतन वजन 150 से 180 ग्राम तक लगभग होता है। इसके फल गोलाकार, आकर्षक और 4 खंडों में बटे हुए होते हैं। इसके फल लंबे परिवहन के लिए काफी उपयुक्त होते हैं। ये वैरायटी एलसीवी रोग के प्रतिरोधी किस्म है, जिसको हम लेप कर्ल वायरस बोलते हैं। इस वैरायटी को आप खरीफ और रबी सीजन में लगा सकते हैं। कहने का मतलब आप इसकी बुआई जुलाई से लेकर अंतिम नवंबर तक कभी भी कर सकते हैं। बात करें इसकी कीमत की, तो इसके एक पाउच की कीमत लगभग 1200 रुपए से लेकर 1300 रुपए लगभग होती है। इसके बाद एक दूसरी वैरायटी है जो कि इंद्रा है, जो कि ये सिंजेटा कंपनी की ये वैरायटी है। इस वैरायटी के फलों की पहली तुड़ाई रुपाई करने के 50 से 55 दिन बाद शुरू हो जाती है। इसके फल की लंबाई औसतन 10 से 12 सेंटीमीटर तक होती है। इसके फल की मोटाई 8 से 10 सेंटीमीटर तक होती है। इसके फलों का एक औसतन वजन 170 से 190 ग्राम तक होता है। इसके फल गहरे हरे, चमकदार और काफी आकर्षक होते हैं और 4 खंडों में बटे हुए होते हैं। ये वैरायटी भी एलसीवी रोग के प्रतिरोधी किस्म है। इस वैरायटी को आप खरीफ, रबी और जायद तीनों सीजनों में लगा सकते हैं। कहने का मतलब कि आप इस वैरायटी को पूरे वर्ष लगा सकते हैं। बात करें इसकी कीमत की, तो इसकी एक पैकेट की कीमत लगभग 1800 रुपए से लेकर 2000 रुपए के बीच में होती है। इसके बाद एक तीसरी वैरायटी है जो कि आशा है, जो कि क्लार्ड सीड्स कंपनी की ये वैरायटी है। इस वैरायटी के फलों की पहली तुड़ाई रुपाई करने के 60 से 65 दिन बाद शुरू हो जाती है। इसके फल की लंबाई औसतन 11 से 12 सेंटीमीटर तक होती है। इसके फल की मोटाई 7 से 8 सेंटीमीटर तक होती है। इसके फलों का एक औसतन वजन 150 से 200 ग्राम तक लगभग होता है। इसके फल गहरे हरे, चमकदार, वजनदार और काफी आकर्षक होते हैं। इस वैरायटी में प्रतिकूल परिस्थिति सहन करने की भी क्षमता होती है, और ये वैरायटी भी एलसीवी रोग के प्रतिरोधी किस्म है। इस वैरायटी को आप खरीफ और रबी सीजन में लगा सकते हैं।
बात करें इसकी कीमत की, तो इसकी एक पैकेट की कीमत लगभग 1400 रुपए से लेकर 1500 रुपए के बीच में होती है। इसके बाद चौथी और अंतिम वैरायटी है जो कि स्वरूप है, जो कि 9124 के नाम से भी ये जानी जाती है, जो कि नागो सीड्स कंपनी की ये वैरायटी है। इस वैरायटी के फलों की पहली तुड़ाई रोपाई करने के 60 से 65 दिन बाद शुरू हो जाती है। इसके फल की लंबाई 8 से 10 सेंटीमीटर तक होती है। इसके फल की मोटाई 7 से 8 सेंटीमीटर तक होती है। इसके फलों का एक औसतन वजन 170 से 190 ग्राम तक होता है। ये वैरायटी भी एलसीवी रोग के प्रतिरोधी किस्म है और इस वैरायटी के भी फल काफी आकर्षक, चमकदार, वजनदार और लंबे परिवहन के लिए उपयुक्त होते हैं। इस वैरायटी को भी आप खरीफ और रबी सीजन में लगा सकते हैं। बात करें इसकी कीमत की, तो इसके एक पैकेट की कीमत लगभग 1100 रुपए से लेकर 1200 रुपए के बीच में होती है। तो ये शिमला मिर्च की टॉप 4 हाइब्रिड किस्में हैं। इनके अलावा मार्केट में और भी बहुत सारी वैरायटियां आती हैं और अलग अलग स्थानों पर अलग अलग वैरायटियां लगाई जाती हैं। यदि आप भी शिमला मिर्च की खेती कर रहे हैं तो आप कौन सी वैरायटी लगाते हैं और किस समय शिमला मिर्च की खेती करते हैं, आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। इस वीडियो में जो भी हमने इनकी कीमतें बताई हैं, आप कीमतों पर न जाएं, कीमतें इनसे कम भी हो सकती हैं और इनसे अधिक भी हो सकती हैं और अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कीमतें होती हैं, तो आप कीमतों पर न जाएं, प्रतिवर्ष कीमतें बढ़ती भी रहती हैं। बात करें कि इन वैरायटियों की बुआई हम किन किन मिट्टियों में कर सकते हैं, तो इन वैरायटियों की बुआई आप दोमट मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी, हल्की चिकनी मिट्टी, हल्की रेतीली मिट्टी, काली मिट्टी, इन सभी प्रकार की मिट्टियों में आप इनकी सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। और मिट्टी ऐसी हो जिसमें जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो, जिसका पीएच मान 5.5 से 7 के बीच में हो और ऐसी मिट्टी हो जिसमें कार्बनिक या जीवांश पदार्थ की मात्रा अधिकतम हो, ऐसी भूमियों में आप इनकी सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। बात करें कि इन वैरायटियों को हम किन किन राज्यों में लगा सकते हैं, तो इन वैरायटियों को आप भारत के सभी राज्यों में और लगभग सभी स्थानों पर लगा सकते हैं। तो ये रही शिमला मिर्च की टॉप 4 हाइब्रिड किस्में। तो आप देखते रहिए बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल, और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय जवान, जय किसान।